सारी कायनात मिलके हुसैन को छोड़ दे, हुसैन का ज्यादा कुछ नहीं। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा, सारी कायनात मिलके हुसैन को छोड़ दे, हुसैन का ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन जिसको हुसैन छोड़ दे उसके पास रहता कुछ नहीं। कि मजबूत है पहाड़ से भी हिम्मत हुसैन, सुभान अल्लाह कह दीजिए, मजबूत है पहाड़ से भी हिम्मत हुसैन, अब भला क्या कोई समझेगा अजमत हुसैन। ये तो खुदा की मर्जी थी, वहां कट गया गला, वरना कहां यजीद और कहां हजरत हुसैन। ये थे हाशिम रजा कानपुरी साहब की ना हो के मुताबिक एक मीनारी मस्जिद के खतीब व इमाम, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, वफादारी मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अफताब आलम साहब किबला का थोड़ी देर का बयान होगा, बहुत शानदार। उसके बाद शायर अली बैत अजहर नूरी साहब का ना शरीफ या मनकबत होगा। उसके बाद इंशाल्लाह टाइम हुआ तो हाथ वो एक साहब और वो भी ना शरीफ पढ़ेंगे, और जो राजस्थान की सरजमी से ताल्लुक रखने वाले हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली चतुर्वेदी साहब का एक शानदार बयान होगा। 12 बजे के अंदर सब सलातो सलाम हो जाएगा, इतनी देर का प्रोग्राम है बस, जितनी देर निजार भाई बताया गया उतनी देर का प्रोग्राम आशा पास हमारी जमात के हजरत अल्लामा आफ्ताब आलम साहब किबला का एक शानदार बयान होने जा रहा है। हकीकत सामने हो तो अदाकारी नहीं चलती, मैं बदमाशी आपके नहीं बोलता, हकीकत सामने हो तो अदाकारी नहीं चलती, और अल्लाह के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। और तुम्हारा दबदबा है, तुम्हारा दबदबा है, सिर्फ तुम्हारी जिंदगी तक किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। अल्लाह के रसूल का फरमाने आली शान है, अल्लाह के रसूल का फरमाने आली शान है। सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, दुनिया का सबसे बड़ा अकलमंद आदमी कौन है? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अकलमंद आदमी वो है जिसने मौत को याद रखा, जिसने मौत को याद रखा और कब्र की तैयारी। भाई साहब वैसा बढ़िया मिल रहा, जिसने मौत को याद रखा, कब्र की तैयारी की है कि जिंदगी की है रोज। जिंदगी के है दो जहां, जिंदगी के है दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, और दोनों जहां के दरमियां फासला है एक नमाज का। चलती रहे तो ये जहां और रुक जाए तो वो जहां। सांसों की इस्माला में रंग भर लो उसके रसूल, सांसों की इस्माला में रंग भर लो मोहब्बत रसूल का, फिर ये जहां फिर वो जहां, साथ होंगे महबूब दो जहां, साथ होंगे महबूब दो जहां। अब बात आई है कब्र की, तो मेरे जहन में एक शेर यहां और आ गया, अरे कब्रिस्तान तेरा इंसाफ बड़ा ही नहीं, अपने दिल की तकती पे लिख देना, अरे कब्रिस्तान तेरा इंसाफ बड़ा ही नहीं है, अमीर हो या गरीब सबका बिस्तर एक है, अमीर हो या गरीब सबका बिस्तर एक है। चुटकुले लतीफे जो हंसना हसाना इधर उधर कूदना फांदना मुझको नहीं आता, मैं सोचता हूँ कि बस अल्लाह मारी जिसे रूह निकल जाए। मुर्दा वो होता है कि जिसके सीने से इश्क़ रसूल निकल जाए, माशाल्लाह से बहुत बड़ी बात है कि जिसके सीने से इश्क़ रसूल निकल जाए। इश्क़ रसूल की बहुत बड़ी दौलत है, अल्लाह जिसको पसंद करता है उसको अपने नबी की मोहब्बत अता करता है। अल्लाह पूरा बदला एक बार और कहे या रसूल अल्लाह, एक बार और कहे या रसूल अल्लाह कि किसको लाओगे तुम जमाले मुस्तफा के साथ, किसको लाओगे तुम जमाले मुस्तफा के सामने, और चांद भी फीका है उनके नक्शे पा के सामने, चांद भी फीका है उनके नक्शे पा के सामने, और हम गुलामाने मुस्तफा हैं, अपनी भी कुछ बात है, हम चिराग अपना जलाते हैं हवा के सामने, हम चिराग अपना जलाते हैं हवा के सामने, हम चिराग अपना जलाते हैं हवा के सामने।
जब तक के लव हबीब खुदा से लगी ना, जब तक शमीम भाई का कहना दोबारा बोल दिया जाए कि किसको लाओगे तुम जमाने मुस्तफा के साथ, कि किसको लाओगे तुम जमाने मुस्तफा के सामने, और चांद भी फीका है उनके नक्शे पा के सामने, और हम गुलामान मुस्तफा हैं, अपनी भी कुछ बात है, हम चिराग अपना जलाते हैं हवा के सामने। जब तक के लव हबीबे खुदा से लगी ना थी, जब तक के लव हबीबे खुदा से लगी ना थी, सांसें तो चल रही थी मगर जिंदगी ना थी, सांसें तो चल रही थी मगर जिंदगी ना थी। आप समझते हैं माइक पे बोलना आसान है, आसानी बहुत मुश्किल था, दुनिया समझने के अच्छे बोलना, ये सरकारी गौसे आजम का फैजान होता है, हाशिम रजा का।